अंडा करी बनाने के लिए ये हमने चार उबाले हुए अंडे लिए हैं, सरसों का तेल, प्याज एक बड़े साइज के, धनिया पत्ता, करी पत्ता, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, इलायची, लौंग और ये साबुत काली मिर्च और ये नमक। सबसे पहले हम इन तीनों का पेस्ट बनाएंगे, प्याज लहसुन और अदरक का। उसके बाद हमने ये कढ़ाई रख दिया है अंडे को फ्राई करने के लिए, तो हम इसमें तेल डालेंगे, इसे गर्म होने देंगे। तो हमने इसे अंडा डाल दिया इसमें फ्राई करने के लिए। हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा अंडा फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर से उसी बर्तन में जो हमारा तेल बचा हुआ था हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इलायची और लौंग और काली मिर्च इसमें डालेंगे। हमने ये तीनों साबुत लिया है, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, और ये अदरक और प्याज और लहसुन का जो पेस्ट था वो डालेंगे इसमें। इसे हम भूनेंगे थोड़ी देर। इसे हम थोड़ा ढक देंगे। तो ये हमारा प्याज भुन गया है। इसे हम एक मिनट के लिए ढके थे और एक मिनट के लिए ढक के हल्का भून लेंगे इसे। तो अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। ये हमने लाल मिर्च पाउडर मिलाया,
हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसे भूनेंगे थोड़ी देर। अब ये काली मिर्च और जीरा का जो पाउडर था वो डाल देंगे। मसाले को हम पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। आप ऐसे भी खड़े टमाटर भी डाल सकते हैं कटे हुए। यहाँ पे हमने पेस्ट बना लिया है टमाटर का। तो इसे ढक देंगे हम और मसाले को पकने देंगे जब तक कि मसाला हमारा तेल ना छोड़ने लगे। देखिए हमारा मसाला भून गया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी मिलाएंगे। आप अपने अनुसार पानी मिलाएं जितना आपको ग्रेवी चाहिए। हल्का उबाल आने देंगे इसको। उसके बाद हम इसमें ये नमक मिलाएंगे स्वादानुसार। इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे 30 या 40 सेकंड के लिए। ये देखिए हमारा ग्रेवी रेडी है। अब हम इसमें ये अंडा डाल देंगे जो हमने फ्राई किया था। इसे हल्का मिला लेंगे हम। धनिया पत्ता जो लिया था हमने वो धनिया पत्ता डाल देंगे ऊपर से। और इसे एक मिनट के लिए ढक देंगे। एक मिनट के बाद देखिए ये हमारा ग्रेवी अंडा करी तैयार है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।